पेट्रोल का दाम यदि पाँच रुपया एक बार में भगा बढ़ा दिया जाता दस रुपया बढ़ा दिया जाता तो हंगामा होता बहुत साइलेंटली उसको सौ के पार करवा दिया गया कहीं चू शब्द नहीं लोग बोला ठीक उसी तरीके से आरक्षण को धीरे 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 करके पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि उन लोगों को स्वीट पॉइजन जिसको कहते हैं ना धीरे धीरे, धीरे खत्म करो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि 50 परसेंट से ज़्यादा आरक्षण आप किसी भी चीज़ में नहीं दे सकते हैं तो भाई जब नहीं दे सकते हैं तो ये जो सवर्णों की जो आरक्षण की व्यवस्था वो पचास परसेंट के अलावा जो आप आंध्र प्रदेश तमिलनाडु जो साउथ में है वहाँ पचास परसेंट ऑलरेडी था उसके अलावा एक्स्ट्रा ये हो गया तो मान्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का जो निर्देश था उसका वायलेशन हुआ लेकिन क्यों इसको साइलेंटली इसको लागू किया गया उस पर क्यों नहीं पहल हुआ इसका काम मान लीजिए ठीक है न्यायपालिका को है कि सुमोटो भी बहुत सारा चीज़ ध्यान पर रखती है वो नहीं यदि अपना सुमोटो ली तो हमने जिसको चुन कर भेजा था जिन्होंने आरक्षण के नाम पर बहुजनों का वोट लिया वो क्या कर रहे हैं तो मोदी जी का जो नेतृत्व रहा है वो हिंदुत्व के नाम पर वोट लिए हैं ये जो आप लोग कह रहे हैं कि वो पिछड़ों के नाम पर आरक्षण के नाम पर आए तो ये सोच हमारा गलत है वो मंदिर के नाम पर आए थे और वो मंदिर का निर्माण हुआ है मोदी सरकार ने जो नीट का एग्जाम यानी कि जिससे लोग डॉक्टर बनते हैं उसमें बिना ओबीसी आरक्षण तय किए हुए परीक्षा का डेट निकाल दिया इस मसले पर हम बात करेंगे पटना हाईकोर्ट के जो वकील हैं शिवनंदन भारती जी उनसे जानेंगे कि इसके टेक्निकल पहलू क्या हैं। भारतीय संविधान में जो ये आरक्षण का प्रावधान जहाँ से आया है ये कैसे आया क्या है तो देखिए आरक्षण के संबंध में भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट है आपका एक है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आर्टिकल uh, पंद्रह है उसके क्लॉज फोर में दिया गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसको आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वह अच्छे संस्थान में पढ़ने के लिए उनको आरक्षण होगा तभी वहाँ अच्छे संस्थान में पढ़ेंगे दूसरा जो है यदि वो पढ़ लिया तो उसको नौकरी में भी आरक्षण की पढ़ लिए हम ग्रेजुएसन कर लिए एम कर लिए तब हमको नौकरी की बात आएगी तो सरकार के जितने भी सरकारी नौकरी होगी उसमें आरक्षण की व्यवस्था सोलह के चार के तहत दिया गया ये हमारा मौलिक अधिकार है अब आइए कंट्राडिक्शन की जो बात है तो देखिए भारतीय लोकतंत्र में लोकतंत्र में जनता के हिसाब से कानून बनाने का काम विधायिका का है और विधायिका ऑलवेज जिम्मेदार होता है अपने जनता के प्रति हमारे लोकतंत्र में तीन तीन चीज है एक हो गया विधायिका दूसरा हो गया कार्यपालिका और तीसरा हो गया न्यायपालिका तो पूरी तरीके से यदि जनता के प्रति यदि कोई जवाब दे है तो वह है विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया है एक संस्था है एआईओबीसी, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास इन्होंने एक आंकड़ा जारी किया है कि चार साल में ओबीसी के लिए चालीस हजार से ज़्यादा सीटें थी लेकिन उनको मिला क्या जीरो सारी जो आरक्षित आरक्षण ही लागू हुआ सताईस परसेंट जो आरक्षण ओबीसी को मिलता है वो लागू ही नहीं हुआ देखिए जो बैकवर्ड कम्युनिटी के जो लोग हैं आज के डेट में ये बोलने में कोई मान ये पॉलिटिकल चीज़ नहीं है कि जब वो सोए हुए हैं उनको इतनी टेक्निकलिटी आप एक चीज़ आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए किस तरह जिस तरीके इस उदाहरण से हर चीज़ क्लियर होगा पेट्रोल का दाम यदि पाँच रुपया एक बार में भगा बढ़ा दिया जाता दस रुपया बढ़ा दिया जाता तो हंगामा होता बहुत साइलेंटली उसको सौ के पार करवा दिया गया कहीं चू शब्द नहीं लोग बोला ठीक उसी तरीके से आरक्षण को धीरे 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 करके पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है चूँकि उन लोगों को स्वीट पॉइजन जिसको कहते हैं ना धीरे धीरे खत्म करो इस ये पॉलिसी कहीं ना कहीं चल रही है जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं इसकी व्याख्या होना बहुत जरूरी है ये आंकड़ा का ऑथेंसिटी है और रही बात जब आपने कहा कि कोर्ट पर और न्यायपालिका का जहां तक बात है तो कानून ये कहता है कि 50 परसेंट से अधिक आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो सकती आ, कुछ राज्य में तो... तो मेरी बात सुन लीजिए है जब 50 परसेंट ये कानून ये कह दिया सुप्रीम मान्य सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि 50 परसेंट से ज़्यादा आरक्षण आप किसी भी चीज़ में नहीं दे सकते हैं तो भाई जब नहीं दे सकते हैं तो ये जो सवर्णों की जो आरक्षण की व्यवस्था वो 50 परसेंट के अलावा जो आप आंध्र प्रदेश तमिलनाडु जो साउथ में है वहाँ पचास परसेंट ऑलरेडी था उसके अलावा एक्स्ट्रा ये हो गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का जो निर्देश था उसका वायलेशन हुआ लेकिन क्यों इसको साइलेंटली इसको लागू किया गया उस पर क्यों नहीं पहल हुआ इसका काम मान लीजिए ठीक है न्यायपालिका को है कि सू मोटो भी बहुत सारा चीज़ ध्यान पर रखती है वो नहीं यदि अपना शु मोटो ली तो हमने जिसको चुन कर भेजा था जिन्होंने आरक्षण के नाम पर बहुजनों का वोट लिया वो क्या कर रहे हैं ये दौर जो है सो अभी खामोशी से सोने दिया हम यहाँ एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे सर कि तमिलनाडु की जो सरकार है वो पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट पहुँची थी इस मसले को लेकर कि 50 परसेंट जो है ओ बी को आरक्षण मिलना चाहिए नीट में लेकिन वो भी रिजेक्ट कर दिया गया और जो खास करके जो हिंदी पट्टी का जो राज्य है यानी बिहार हो गया उत्तर प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश हो गया राजस्थान को भी जोड़ लेते हैं ये उस प्रकार से लड़ नहीं पाई जिस प्रकार से तमिलनाडु अकेले लड़ रहा है देखिए ऐसा क्यों हुआ क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा अगर अभी ओ का आंकड़ा आया है मध्य प्रदेश में कि पचास से ज़्यादा आबादी मध्य प्रदेश में पिछड़ों का है लेकिन वहाँ आरक्षण सत्ताईस नहीं लागू हुआ है अभी छत्तीसगढ़ में जो है जो सत्ताईस परसेंट आरक्षण दिया जा रहा है उसके विरोध में जो है एक पिटीशन दायर कर दिया गया है यहाँ पे पिटीशन का हम नाम भी बता देते हैं ऐसे पिटीशन दायर किया आ, गया है खास करके ठीक है तो देखिए आरक्षण विरोध हो रहा है देखिए विरोध जब आपकी इच्छा शक्ति होगी कोई चीज को करने की तब आप शिद्दत से काम करेंगे थे, 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 केवल वोट की राजनीति से ही देश का कायाकल्प नहीं हो सकता है तो वोट लेने के लिए कि हाँ हाँ ठीक है जनता का वोट लेना कि हाँ हम काम कर रहे हैं आरक्षण बढ़ाएंगे आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता है ये हो गया एक पॉलिटिकल बयान और दूसरा होता है कि नहीं बड़ी खामोशी से कि आरक्षण की व्यवस्था को शिद्दत से क्यों लगाना है क्यों ऐसा सरकार कर रही है ये पिछड़े प्रधानमंत्री हैं ओ प्रधानमंत्री आप अपने आप को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देखिए अब देखिए मोदी जी का जहाँ तक सवाल है तो मोदी जी का जो नेतृत्व रहा है वो हिंदुत्व के नाम पर वोट लिए हैं ये जो आप लोग कह रहे हैं कि वो पिछड़ों के नाम पर आरक्षण के नाम पर आए तो ये सोच हमारा गलत है वो मंदिर के नाम पर आए थे और वो मंदिर का निर्माण हुआ है वो सवर्णों के और बै, बैकवर्ड और फॉरवर्ड और आरक्षण आरक्षण के मुद्दे पर वो सत्ता में नहीं आए हैं तो मेरा ये कहना ये जनता को तय करना है ना कि इशू बेस्ड जो आपने कहा अब ठीक है हमने हिंदुत्व के नाम पर दिया आरक्षण खत्म होगा लोग स्वीकार करेंगे तो ठीक है नहीं तो प्रतिकार होगा तो इलेक्शन के टाइम में पता चलेगा लेकिन ये सत्य है कि बहुजनों आज के डेट में जो आंकड़ा जिस हिसाब से आपने बताया है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो टुकटुकी लगा कर देख रहे हैं कि कोई अवतारित पुरुष आएंगे और जो इनके मुद्दे को लेकर जाएंगे और अन्यथा वो इसी तरीके से क्या ये मामला दब गया हमको तो अभी आज नहीं है आपको ये नीट के संबंध में ही नहीं देखिए पूरी तरीके से आप देखिए सवर्णों को आरक्षण दी गई लेकिन आप जब ओ का कट ऑफ जो है जिस टाइम में ओ को या अन्य पिछड़े वर्ग को या अति माने वो शेड्यूल कास्ट एस सी को भी रिजर्वेशन की बात कही जाती थी तो बड़ी आलोचना होती थी कि ये लोग अयोग्य आदमी को जो है सो बना रहे हैं अच्छी बात थी अब ओ का इस बार बी या अन्य में देखिएगा कट ऑफ जो है बराबर नहीं बड़ाव उसके अपेक्षा कम गया है मैंने एक्सट्रीम विकर सेक्शन का समझ गए तो ये क्या वहाँ से योग्य लोग आ गए अब कोई सबके मुंह पे ताला लगा हुआ है तो मैंने ये कहा कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू शुरुआत से रहा है लेकिन ये बात सत्य है कि ये सुलगता हुआ चीज़ है जब लोग जागेंगे तब तक बहुत लेट हो गया होगा जागे या नहीं जागे लेकिन ये बात सत्य है कि आरक्षण को धीरे धीरे ख़त्म करने का एक नीति है और उस तरीके में ये दिखता हुआ अब ये, ये कदम है ये अस्पष्ट तरीके से अब आने लगी है चीज़ों को लोग भी जान रहे हैं ऐसी बात नहीं कि आप जो कहिएगा कि जनता इतनी बेवकूफ़ है लेकिन वो पहले होता था कि तुरंत में रिएक्शन होता था अब बर्दाश्त करने की क्षमता लोगों में ज़्यादा हो गई है वो अपना दायित्व पाँच साल बाद वोट के टाइम में दिखाते हैं लेकिन वोट के टाइम में सेंटिमेंट पर कुछ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इत्यादि मुद्दे पर लोग भटक जाते हैं कभी न कभी ये मुद्दा जब बनेगा तो ये जो है सो एक बहुत ही निर्णायक मुद्दा होगा भारतीय राजनीति में ऐसा प्रतीत हो रहा है तो नीट वाले में आ, आपने शिवनंदन भारती जी को सुना नीट एग्जाम में क्या हुआ कि सरकार ने एग्ज़ाम का डेट क्लियर कर दिया है कि आप फॉर्म भर सकते हैं लेकिन उसमें जो ओबीसी का बी सी कोटे का जो आरक्षण है वो लागू नहीं किया गया है इसी पे सवाल उठ रहा है कि बीते चार साल से तो आप ये चीज़ कर ही रहे थे इस बार आपकी इतनी हड़बड़ाहट क्यों है कि आप जल्द से जल्द जो है परीक्षा का डेट घोषित कर दिए बिना ओ का आरक्षण लागू किए बिना वीडियो कैसा लगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए चलते हैं जय हिंद जय भारत